और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। अगला है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। ओके, ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर। अगला है, चंद्रशेखर वेंटक रमन को रोमन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में मिला था। अगला है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए, जेसी बोस ने की थी। जगदीश चंद्र बसु ने की थी, बोस ने की थी। अगला, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ऑप्शन डी, मेघनाद साहा की कृति है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया था ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। किसने बताया? आर्यभट्ट। अगला देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए, ये रचना है चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? ऑप्शन सी, हेनरी केवेंडिस ने खोज की थी। केवेंडिस। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की थी ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे।
एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी ऑप्शन बी WC रोंटजन ने की थी। अगला है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था ऑप्शन बी गैलीलियो ने। ओके, अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। गति के नियम किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए न्यूटन ने दिया था। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बैट्समैन। अगला देख लेते हैं, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? तो ये की थी ऑप्शन डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने की थी आनुवंशिकी कोड की खोज। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन डी गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी ऑप्शन बी सी डी दुबे ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया ऑप्शन ए डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी तुलास ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन बी ल्यूबेनहॉक, एंटोनी बॉन ल्यूबेनहॉक ने पता लगाया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो गाइस पेनिसिलिन की खोज की थी ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी ऑप्शन बी बेंटिंग एवं बेस्ट ने। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज की थी ऑप्शन डी पाल बिलार्ड ने की थी। किसने की? पाल बिलार्ड। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की ऑप्शन बी लुइस पाश्चर ने की थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की ऑप्शन डी सीले एवं प्रीस्टले ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन बी न्यूटन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।